जी हाँ, खुद अब्दू के सबसे अच्छे दोस्त शिव ठाकरे ने ही घोप दिया है अब्दू की पीठ में खंजर। कैसे, चलिए आपको वो बताते हैं। आपको याद ही होगा कि जब साजिद घर के राजा बने थे, तब साजिद को जब रूम ऑफ थ्री घर के तीन कंटेस्टेंट्स को देना था, जो कि राजा के शाही कुक्स बनने वाले थे, तब साजिद ने रूम ऑफ थ्री में सुम्बुल और निमृत को जगह दी, जो कि अच्छी कुकिंग कर सकते हैं। लेकिन शिव ठाकरे ने साजिद से कहा कि सर एमसी स्टैन रह गया, उसे भी शाही कुक्स में डाल दो। शिव ठाकरे ने कहा कि स्टैन रोटी सेक लेगा, सब्जियों की कटिंग कर लेगा। खुद शिव ठाकरे ने साजिद को कहकर एमसी स्टैन को शाही कुक्स में डलवाया, ताकि एमसी नॉमिनेशंस में सेफ हो सके। लेकिन जब शिव की अपनी बारी आई, तो शिव फेयर खेलने के चक्कर में ऐसा करना भूल गए। शिव ठाकरे को बीते दिन दो लोगों को शाही कुक बनाने का मौका मिला, जो कि नॉमिनेशन से सेव भी होंगे। शिव चाहते तो निमृत और अब्दू को शाही कुक्स में डाल सकते थे। वैसे भी आपको बता दें कि अब्दू सब्जियों की चॉपिंग और कटिंग करते हैं, चाहे अब्दू की ड्यूटी हो या ना हो। अर्चना हमेशा अब्दू से ही लहसुन छिलवाती है, क्योंकि अर्चना को लगता है कि अब्दू लहसुन बहुत अच्छा छीलते हैं। अब्दू शाही कुक बनते तो यही कर लेते, मगर खेल गए शिव ठाकरे। टीना को बचाकर अपना वादा पूरा कर लिया, और निमृत को बचाकर अपनी दोस्ती निभा ली। अब्दू और साजिद जाएं भाड़ में। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।